ये सब लिया गया। तो उन्हें जल्द से अभी दोपहर में आएंगे हम। चिप्स है ये, तो यहाँ पे ये स्माइल फेस है, ये अजय देगा पसंदीदा है, मस्त ब्लॉगर है जो है दिल्ली से आया है। ये सारा सामान ले लिया, अब रेडी फॉर कैंपिंग। अभी होटल दिखाते हैं आपको अंदर से, चलिए रिसॉर्ट का अभी रूम दिखाते हैं। कैसा लग रहा है सफर, कैसा रहा? सफर तो बहुत बढ़िया रहा। चलो आपको देखो, आगे निकल जाते हैं। आर्यन भाई ले जा रहे हैं मेरे को रूम तक। अरे जोन भाई इधर है। हेलो जोन भाई, क्या हाल है यार? जोन आ गया, ये हमारा रुदन भाई। अरे ये तो एक रो रेला है, एक सब स्माइल कर रहे हैं। वहाँ पे कोई कैंपिंग करने जा रहे हैं, ये मेरे भाई लोग हैं, ये अजय भाई एंड रुदन भाई। कैसे हैं आप? और कितने बजे आया? सुबह 3 बजे आया कलंकी। अभी हम, मैं अभी जस्ट जयपुर गए थे इनके साथ, और भी अभी आए थे अगस्त में। इनके साथ ब्लॉग नहीं ही बनाया, अभी फर्स्ट टाइम इनके साथ ब्लॉग बन रहा है। ये मेरे नेपाल के फ्रेंड्स से, काठमांडू KTM बोलते हैं और काठमांडू बोलते हैं। तो अब नेक्स्ट आगे हम जा रहे हैं, एक और मेरा फ्रेंड है उनको लेने जा रहे हैं, बाकी उनसे आपसे मिलाते हैं। ये नेपाल का रोड है, ये बोलते हैं बल्कु चौक। यहाँ से बस रुकती है जो ज्यादा से आती है, ये देख सकते हैं आप। ये बलकू का रिंग रोड है, आपको दिखाते हैं कलंकी पास। आप देखो ये देखो, हाँ ये देख सकते हैं आप। ये काठमांडू का रिंग रोड, मतलब घूम के आप लोग इधर से आ जाएंगे। मैं आपको और अच्छा व्यू दिखाता हूँ इस गाड़ी से। जब बाइक पे बनाता था तो इतना अच्छा थोड़ा ब्लॉग नहीं बना था मेरा, बट अब हम गाड़ी में बना रहे हैं। ये देख सकते हैं आपका रिंग रोड, या सब नेपाल का रिंग रोड है, ये सब नेपाल का क्राउड है, मार्केट एरिया है। हमने कैंपिंग का देख सकते हैं गाड़ी में, ये सामान डाल दिया। ये हमारे तीसरे दोस्त, बहुत खास भाई है हमारे। बात करो आप, बताओ। अब हम जा रहे हैं यहाँ से कहाँ पे? मुलकुट जा रहे हैं। जगह कैसा है कि पूरा वो नदी के इस पार है, जैसे लगेगा पूरा स्वर्ग में लगेगा। आपको स्वर्ग दिखाएंगे, अमेजिंग व्यू। पहाड़ों के बीच में, पहाड़ों के बीच में एकदम मस्त है, धूप भी दिन भर खिला रहेगा, है कि नहीं? अपना पर्सनल सामान लेके गए हैं कैंपिंग का, कैंपिंग का सब सामान वहीं पे, डिलक्स रूम लिया है। अबे देख के, अबे बताऊंगा, देख खोल के एक-एक। चलो आप, डिलक्स रूम लिया है हमने वहाँ पे, वहाँ पहुँच के बताते हैं। डिलक्स आते वही है वहाँ, रूम देख के बताएंगे कैसा है। अब ये खाने का सामान ले जा रहे हैं और कैंपिंग में क्या क्या लिया है आप लोगों ने? क्या क्या लिया है? क्या क्या लिया है? ये सब लिया गया, क्या बात है, हो गया, ले लिए। क्या क्या ले लिए हमने? लिया है ये चिकन का सलामी है, चिकन का हैम सलामी है, किमची नूडल्स है, अभी दोपहर में खाएंगे हम। चिप्स है ये, यहाँ पे स्माइल फेस है, ये अजय देगा पसंदीदा है, मस्त ब्लॉगर है जो है दिल्ली से आया है। ये सारा सामान ले लिया, अब रेडी फॉर कैंपिंग। हम डाल रहे हैं, ये हमारा छोटा फ्रिज है, क्या खाना खराब नहीं होता है, बस चल रहे हैं। हाँ, क्या ले लिया कैंप के लिए? अभी कैंप के लिए हमने लिया है काला पत्थर, एक विस्की भी लिया है आपने, और किमची नूडल्स लिया है, और थोड़ा हैम लिया है, और थोड़ा आलू में वो फ्राई करके खाने के लिए वो क्या बोलते हैं, स्माइल फेस लिया है, जिसमें शक्ल होता है, आदमी का शक्ल होता है। अच्छा, उसके भी पापड़ लिया है, और थोड़ा सोडा लिया है, चिप्स लिया है। अब हम यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे पुलिकल में, रुकेंगे वहाँ पे, लिए कुछ गोश्त लेंगे, गोश्त चिकन लेंगे, चिकन के लिए थोड़ा थोड़ा वो मसाले लेंगे, और डायरेक्ट वहाँ पे खाना वाना बनाएंगे, खाना खाएंगे। 3 बजे तक हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब वहाँ की आपको दिखाते हैं, बहुत अच्छा, मतलब इतना खतरनाक व्यू होगा, और कैंपिंग का इतना, यहाँ नेपाल का कैंपिंग दिखाऊंगा आपको, कितना मस्त होता है। और वहाँ बहुत अलग तरीके का मिलेगा आपको, काठमांडू से हम थोड़ा सा कौन सी
कितना दूर है? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर में दिखाता हूँ। अच्छा, अभी हमारा भी ब्लॉग शुरू होने वाला है, मगर हमारे व्यूज में लगता है हमारे ब्लॉग में व्यूज ही नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है, एक वायरल जरूर करेंगे, ऐसी बात नहीं है। यहीं पे टकराएगा तो हम हाँ। पीछे के दो आगे के एक एक मिला के मेरे बच्चा हाँ। एक दो तीन काठमांडू से ऊपर आ गए हैं। ये व्यू दे सकते हैं यहाँ का, महादेव का मंदिर। अभी महादेव का मंदिर भी आएगा आगे से, तो ये आप देख सकते हैं। काठमांडू से थोड़ा आगे आ गए हैं, मतलब कौन सा जगह है ये? संगा। काठमांडू से ऊपर पड़ता है। पिकनिक स्पॉट्स पे हम यहाँ पे अभी करेंगे, जैसा सारा सामान है, और यहाँ पे हम अभी चावल चाय वाय बना के खा के पे जाएंगे। वहाँ जा कैंपिंग बुकिंग है तो वहाँ पे जाएंगे। ये लोकेशन देख सकते हो आप पिकनिक का, बैठने का। यहीं पे बैठ के अभी बनाएंगे खाना वाना। क्या क्या बनेगा? चाय और खाना बनेगा। अभी खाना वाना खा के जाएंगे, तो अभी सब रेडी हो रहा है। अब रेडी होता है तो आपको दिखाते हैं क्या क्या है। और यहाँ पे चावल को बॉईल कर रहे हैं क्या? अब इसको डाल रहे हैं चावल। हाँ, तुम्हारा इस सुना के रखते हो, चलाओ लड़का के रखते हो। अभी ये जल गया चावल, अब बनेगा अपना मस्त चावल है। मस्त, अभी ढक्कन डाल दे रहा है, थोड़ी देर के बाद देखेंगे इसका वो पीने वाला तो है नहीं। हम लोग कौन सा है ये? काला पत्थर हुआ है। अच्छा अच्छा, यहाँ प्याज कट रहा है, यहाँ पे चावल बन रहा है, यहाँ पे मोबाइल चला रहे हैं। प्याज और टमाटर गल गया, और चिकन ये रहा। चिकन देखो, चिकन ये चिकन है। अब चिकन बनेगा, चावल बनेगा, फिर यहाँ खाएगा सब। ये दिल्ली वाला ब्लॉग में, तेरा दिल्ली वाला ब्लॉग में चिकन साले फेमस हो जाएगा। ये चिकन डल गया, चिकन बन रहा है। हमारा चिकन बन गया, और ये चावल कैसा बना है जोन भाई? अच्छा, बहुत मस्त है यार, मस्त बना है। रुजन भैया ने इतना बढ़िया बनाया है हमारा। ये देखो चिकन तो बल रहा है। ये देखो 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 चिकन देखो, और ये हमारा चावल देखो, और कुत्ता भी हमारा इंतजार कर रहा है। हम खाए तो इसको कुछ दें। एक उधर सो रहा है, एक उधर सो रहा है। कैंप हमारा सब खाना पीना हो गया, और कूड़ा हमने सब इधर डाला, हमने फैलाया नहीं है। ये होती है डिसिप्लिन, असल कैंपिंग। असल कैंपिंग कैसा लगा? कहीं ले जाके हाँ डाल लेगा। सही बात है, सब कचरा गंदगी में। हम ऐसा नहीं करेंगे ना, हम सारा कचरा इधर डाला। देखो अब नेक्स्ट व्यू कहाँ है? अब हमारा जाना है खुरकोट है। खुरकोट इधर इधर देख को बोलो आप। हमारा मूलकोट है। अच्छा, मूलकोट जाने के बाद हमको वहाँ पे स्नैक्स मिलेगा, अच्छा डिलक्स रूम मिलेगा विद स्विमिंग पूल। विद स्विमिंग पूल आगे होगा, एक अच्छा सा नदी बहता होगा, उसमें मछली मिलेगी। खाना पीना हो गया। अभी हमने रास्ते में देखा था आप लोगों ने, हमने पूरा चटाई बिछा के सिलेंडर लगा के चिकन चावल बनाया, खाया, सफाई करके भी फेंक दिया कि कूड़ा नहीं मचाना चाहिए जहाँ पे आप बना रहे हो किसी लोकेशन में, किसी और आके साफ नहीं करना चाहिए। जोन दाई कैसा लगा आपको? ये बहुत अच्छा था, हम बहुत अच्छे खाए, अच्छे पिए, मस्त खाना था। आज का हमारा स्पेशल अवार्ड रुजन को जाता है। रुजन दाई, इन्होंने इतना बढ़िया चिकन बनाया, मजा आ गया। थोड़ा सा उसमें काला पत्थर भी डाला था इन्होंने, काला पत्थर भी डाला था। अजय दाई ने भी बहुत अभी पापड़ पकाया, इतना बढ़िया पापड़ पकाया ना, मजा आ गया पापड़ खा के। पापड़ मैंने पकाया। हाँ, पापड़ आपने पकाया, बहुत मजा आ गया। और मेरा तो ऐसी ड्रोन उड़ाने का था, ड्रोन उड़ाया, वीडियो ब्लॉग बनाया, थोड़ा बहुत मैंने भी चावल में पानी दिया क्या। ये देख सकते हैं आप, ये नजारा इधर पहाड़ों के बीच में से निकल रहे हैं। इधर पीछे सब सो रहे ना है। सो गया है, जून सोया नहीं है, गलती से सो गया, बोल दिया मैं ही नहीं। मेरा लाल टोपी दिख रहा है, कैसे लाइटना पड़ेगा, कैसा पीछे चश्मा नहीं है, चश्मा उतार दिया है। ये सिंगल वन वे पुल है, एक गाड़ी आएगी तो एक गाड़ी रुकेगी उधर। देखो अब एक गाड़ी वहां रुकेगी, सब स्लो स्लो आ रहा है, वो देख रहा है हम भी स्लो आ रहा है, इसलिए स्लो स्लो आ रहा है। अब वो भी जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ का लोकेशन, ये बहुत स्ट्रेट रोड है पहाड़ों के लिए।
बहुत बढ़िया है, मतलब स्विट्जरलैंड है, थोड़ा बर्फ नहीं गिरा हुआ इसलिए आपको नहीं लग रहा स्विट्जरलैंड। देख सकते हैं कितना तगड़ा व्यू है, नेपाल से 100-150 किलोमीटर आ गया ना काठमांडू से। ये जनकपुर जाने वाली रोड है जहाँ सीता जी का शादी हुआ था, उस वाले ये रोड पड़ता है काठमांडू के बीच में। लोकेशन देख सकते हो आप, ये जो रोड है आप ले लो जनकपुरी जनकपुर जाते हैं जो राम जी की जहाँ शादी हुई थी, काठमांडू से पड़ता है अभी 100 किलोमीटर में मिनिमम, ये 250-300 किलोमीटर पड़ता है। उसके बीच में हमारा रिसोर्ट है, वहीं पे आप रुकेंगे, वहाँ पहुँच के आपको दिखाएंगे लोकेशन कैसा है, वहाँ का फन दिखाएंगे। अभी तो वहाँ जाके चाय बनाना है हमें, सबसे पहले चाय पीना है, कॉफ़ी पीना है, बाद अभी जोन दाई गाड़ी चला रहे हैं हम, आते वही चलाएंगे। शाम हो गई है तो अब बना रहे हैं, रिसोर्ट आ ही गया देख सकते हैं, बहुत अच्छा रिसोर्ट है, बहुत अच्छी जगह है। अभी अब पहुंच रहे हैं वहां का, दिखाते हैं आपको लोकेशन। ये है रिसोर्ट हम जहां पे आज स्टे करेंगे, ताज ताज रिसोर्ट। तो का छोटी वर्ड जुल गया ताज रिसोर्ट लो जी, खा खा यूनिस हो गए जी, खा 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 ताज, ताज नहीं ये दोनों है, दोनों है, दोनों ही है, एक ही है, एक ही है, एक ही पड़ेगा, आ गया पड़ना पड़ेगा, एक भी पकड़ दे। ये देखिए रिसोर्ट में एयर स्टोर, आज इसमें स्टे करेंगे। तो गाड़ी कमरे में चले गए डायरेक्ट, क्या गाड़ी लेके घुसार दो कमरे से, घुसार दो पार्किंग प्लेयर है जहाँ दुमठ है जहाँ घुसा के देखते हैं, खतरा है ठहरा यार, खतरा है, वो कहाँ ने नेट जोन में मिल जाओ इसका नहीं आला आगे, फोन कर फोन बुकिंग करे थे, हाँ गजब रहे सर। ये आ गया अपना ताज रिसोर्ट, ताज रिसोर्ट, और यहाँ पहुंच गए हमारा आर्यन। अभी होटल दिखाते हैं आपको अंदर से, चलिए रिसोर्ट का अभी रूम दिखाते हैं। कैसा लग रहा है सफर, कैसा रहा है सफर? तो बहुत बढ़िया रहा, चलो आपको देखो आगे निकल जाते हैं। आर्यन भाई ले जा रहे हैं मेरे को रूम तक, रूम दिखाने। भाई किस तरफ रूम लिया है? 304 में बुकिंग हो गया। अच्छा रूम है ना, डिलक्स रूम है ना। चलो दिखाओ, ले जाओ यार, ये देखो, ये देख फुहारा देख लो, कलर वाला फुहारा। यहाँ अजय भाई खड़ा है, अरे जोन भाई इधर है, हेलो जोन भाई, क्या हाल है यार जोन? आ गया ये हमारा रुदन भाई, हेलो, क्या खेलने का मन है? चल आ जाओ रूम दिखा, रूम दिखाते हैं आपको, इधर इधर से ये रूम है 1-2 रूम नंबर 203 स्विमिंग पूल। चलो भाई दिखाओ यार, तू ही है यहाँ का, मेरे को तो मालूम नहीं है यहाँ पर क्या है, क्या चीज है। अभी फर्स्ट टाइम आया है, अच्छा देख रहा है, कैसा है? देख लो स्विमिंग पूल, देख लो बहुत बढ़िया है। आप आ चुके यार, फोटो में आपने दिखाया था, ऐसे मत बोलो। मैं तो पुराना ही हूँ यार। ये देख ले स्विमिंग पूल, पानी भी ब्लू ब्लू दिखेगा। डुबकी लगाओगे? नहीं अभी मूड पे नहीं है। अच्छा ये देख ले, ये हो गया पीछे सब कॉटेज, ये बैठने की जगह हो गया। सुबह मारेंगे कहीं, देखते हैं जम मारेंगे। मारो जम मारो, नहीं नहीं अभी तो कपड़े ही लग रहे। और सुनाओ, बस बढ़िया, कैसा लगा नेपाल? सुबह नहाएंगे यार इसमें, आ जाओ आ जाओ, सुबह सुबह डुबकी मार देते। टी बन रहा है ये देख सकते हैं आप, कॉफी कॉफी बना रहे हैं हम सब, देखो कॉफी हो रही है, तो अब ड्रोन फायर जलाएंगे, पेट्रोल देखेंगे, नाइट ड्रोन स्लोटन। क्या रेसिपी चल रहा है, क्या है ये? सलामी, सलामी बड़ा वाला फ्राई सलामी है, छोटा वाला सलामी ये है, इधर है, और इधर प्लेट लेके अजय दाई खड़े हैं और रुदन दाई पका रहा है, एक अंदर है रूम,
अभी हम पकाएंगे खाएंगे, आपको दिखा नहीं रहे, आप भी आइए ऐसे मस्ती करिए। वही हमारे गाइड्स हैं, एक ये सबका स्माइल है, चलो ये देखो स्माइल स्माइल प्लीज, वो बोलते ना हेलो फ्रेंड स्माइल खा लो, हंसते रहो हंसते रहो। ओए होए क्या बात, हमारे रेसिपी बच्चे लोग याद रहे यार, हमारा अपने बचेगा। अरे ये तो एक रो रेला है, एक सब स्माइल कर रहे, कौन रे बॉन फायर लगा दिया यहाँ पे स्माइल रोड में, आप देख सकते हैं अब आग के सामने बैठे हैं, कम से कम बहुत ठंडा है, दो है माइनस तो नहीं है, दो है। देख सकते हैं कितनी वैरायटी है इसमें, नेपाली खाना है ये, हाँ नेपाली खाना है, नेपाली डिश ऐसे ही होता है, देख सकते हैं चावल होता है, सब्जी होता है, और सबसे ये होता है गुंद्रुक, ये होता है, ये नेपाल में मिल जाती है और कहीं नहीं मिलती थी, ये गुंद्रुक ऐसे सही है सही है